हेलो टू ऑल, होप सो आप बहुत बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जो आज के वीडियो का थीम है, आज हम लोग मानव के जनन तंत्र से संबंधित ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट फोर। तीन पार्ट्स पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उन तीन पार्ट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कीजिए, वो नीट के लिए मददगार साबित होंगे। नाउ सबसे पहले प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, मतलब मानवों में जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें अलिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, शुक्र जनन की प्रक्रिया पढ़ी है आपने, और आप जानते हो कि स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। यू नो वेरी वेल, स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित थी और उससे बनने वाली जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका होती है वो भी याद रखो 2N होती है, और 2N है और मानवों के लिए पूछा है तो तय है कि 2N सेल जो होती है हमेशा उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 46, राइट। यदि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2N है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। और हम जानते हैं कि मानवों के अंदर जो स्पर्मेटोसाइट है वो मेल से संबंधित है, तो 45वां और 46वां जो गुणसूत्र है वो तो होगा XY, 45वां X और 46वां Y। अब बचे कितने, 44। तो जो 44 गुणसूत्र होंगे, 44 जो रेस्ट रिमेनिंग क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, ऑटोसोम, यानी कि अलिंग गुणसूत्र। तो प्रश्न में यही तो पूछ रहा है भाई कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट मानवों में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें अलिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 44। और लिंग गुणसूत्र तो दो है ही, वन इज द एक्स एंड अनदर इज नोन एज द वाई, तो 44 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज बी। क्लियर, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है स्तनधारियों के भ्रूण की बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां किससे डिराइव होती है, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स। वापिस से बोल रहा हूं, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द मैमल्स इज डिराइव फ्रॉम, मतलब स्तनधारियों की भ्रूण में पाए जाने वाली जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, वो किससे डिराइव होती है। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भ्रूणीय झिल्लियां तीन होती है, यू ऑल नो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहां बात भ्रूणीय झिल्लियों की नहीं चल रही है। There is a big difference between embryonic membranes and extra embryonic membranes. भ्रूणीय झिल्लियों और बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों में बहुत फर्क है। भ्रूणीय झिल्लियां कौन कौन सी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां होती है वो चार होती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कितनी होती है, चार। पहली कौन सी है, एमनियोन, फिर कोरियोन, एलेंटोइस और योक्सिक। वापिस से बोल रहा हूँ, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड योक्सिक, ठीक है। अब ये जो स्तनधारियों की भ्रूण में बाह्य झिल्लियां किससे डिराइव होती है वो पूछ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोषकोरक से। ट्रोफोब्लास्ट को जानते हो क्या कहते हैं हिंदी में, पोषकोरक से, या इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका समूह से, फॉर्मेटिव सेल से, या फॉलिक्यूलर सेल से, है ना, ये क्वेश्चन है। तो स्तनधारियों में भ्रूण की बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां किससे डिराइव होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ट्रोफोब्लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। मैं आपको बता दूं जो दो महत्वपूर्ण भ्रूणीय झिल्लियां हैं एमनियोन और कोरियोन, याद रखना एमनियोन और कोरियोन, उनका निर्माण किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट से होता है, इसलिए हमने किसको ऑप्ट किया, ट्रोफोब्लास्ट को। समझ में आ रहा है, दो जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां हैं, वन इज नोन एज द एमनियोन एंड अनदर इज नोन एज द कोरियोन। एमनियोन और कोरियोन दोनों की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट से होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मार्क करूंगा ए। क्वेश्चन नंबर 3,
स्तनधारियों का कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये तो जानते हो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनती है, तो 14वें दिन को, रजोचक्र के 14वें दिन को मानव मादाओं के अंदर क्या रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो सेकेंडरी ऊसाइट मुक्त हो जाता है, ठीक है, द्वितीयक ऊसाइट मुक्त हो जाता है। अब जो खाली ग्रेफिन फॉलिकल है, जो एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल है, वह एक येलो कलर की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाती है। खाली ग्रेफिन फॉलिकल एक येलो कलर की अंतःस्रावी रचना या एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और वह कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का स्रावन करती है और उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन, जो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या यूं कह सकते हो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, एबॉर्शन को रोकने वाला ये हार्मोन है, गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन है, एंडोमेट्रियम का अनुरक्षण करने वाला हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई? डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो परफेक्टली क्या है? डी। फोर्थ, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस। ये किससे उत्पन्न होता है? एक साइंटिस्ट था, मैं आपको बता दूं इसके पीछे की क्या कहानी है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिली। उन्होंने ये बताया कि स्पर्म, एक ही जाति का स्पर्म अपनी ही जाति के अंडाणु से फ्यूज करेगा, राइट? क्या कहा मैंने? एक जाति का स्पर्म अपनी ही जाति के अंडे से क्या करेगा? फ्यूज करेगा। अब मान लीजिए कि एक वाटर बॉडी है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वाटर बॉडी तो कितनी बड़ी है, हजारों अलग अलग तरकों की किस्म होती है मछलियों की, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी भी जाति का एक स्पर्म जो है वो किसी भी जाति के ओवम से जुड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। इतनी बड़ी मछली है, उसका जो स्पर्म है वो इतनी सी प्रजाति वाली मछली के ओवम से जाके जुड़ जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ना। एक जाति का स्पर्म अपनी जाति के, प्रकृति का नियम देखिए, अपनी जाति के ओवम से जाकर जुड़ता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। हमेशा याद रखो, फर्टिलाइजिंग एक ऐसा पदार्थ है जो अंडाणु के ऊपर पाया जाता है, एग के ऊपर पाया जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और स्पर्म के ऊपर, इसके अगेंस्ट स्पर्म के ऊपर एक एसिडिक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया होती है जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे को पहचान करते हैं, बाद में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजिंग कहां पर होगा? परिपक्व अंडे के ऊपर होगा। और क्वेश्चन में एंटी फर्टिलाइजिंग होता तो किसके ऊपर होता? स्पर्म के ऊपर होता, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक पदार्थ है, किससे उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है? सी, परिपक्व अंडा, क्लियर। तो फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक पदार्थ है, किससे उत्पन्न होता है? परिपक्व अंडे से। परिपक्व अंडे का मतलब मेरा ये है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, प्रोड्यूस फ्रॉम मैच्योर एग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लीवेज इन मैमल्स इज डिस्क्राइब्ड एज। स्तनधारियों में विघटन किस प्रकार का होता है, ये पूछ रहा है। क्लीवेज इन मैमल्स इज डिस्क्राइब्ड एज, मैंने क्लीवेज के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया, मैंने क्लीवेज के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, और उसमें आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि स्तनधारियों में क्लीवेज पूर्णभंजी समान होता है। पूर्णभंजी समान का मतलब होता है होलोब्लास्टिक इक्वल, याद रखोगे कैसा होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, याद रखोगे, इट इज होलोब्लास्टिक इक्वल। तो क्लीवेज स्तनधारियों में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? पूर्णभंजी समान, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्लीवेज के लिए क्या कथन सत्य है? जब क्लीवेज पढ़ाते हैं तो मैं जरूर पढ़ाता हूं कि क्लीवेज के दौरान बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको कोरखंड कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। क्लीवेज के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को कोरखंड कहते हैं। द सेल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, विघटन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को वी कॉल इट एज कोरखंड, यानी कि ब्लास्टोमियर। और याद रखना कि विघटन के दौरान जो कोशिकाएं बनती है, कोरखंड बनते हैं, उनकी साइज लगातार घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, लगातार क्या होती है? घटती है। अब देखते हैं क्लीवेज के लिए सत्य, साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेस, नो। साइज ऑफ सेल डिक्रीज, यस। साइज ऑफ सेल इंक्रीज या साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज,
कभी भी क्लीविज के दौरान बनने वाले कोरक खंड यानी कि बनने वाले ब्लास्टोमेरिक सेल्स जो होती है उनकी साइज क्या होती है, उनकी साइज लगातार डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। साइज लगातार घटेगी, क्लीविज इज अ फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस, याद रखना, जिसमें ब्लास्टोमेरिस की साइज घटती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट जूना पेलुसिडा। आपने ये तो सुना होगा कि जब ओवम या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है राइट ग्रेफियन फॉलिकल से, तो उसके ऊपर दो एग मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है कोरोना रेडिएटा, सब जानते हैं, और दूसरी कौन सी होती है, जूना पेलुसिडा। अब आप ये जानते हो कि इन एग मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कौन करता है, एक्रोसोम से रिलीज होने वाले स्पर्म लाइसिन, ये उसको तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प स्पर्म टू पेनिट्रेट जूना पेलुसिडा, इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो जूना पेलुसिडा परत को भेद देगा जिससे स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा, किसमें, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर यानी कि ओवम के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट जूना पेलुसिडा, कुल मिलाकर ये जूना पेलुसिडा को भेदने वाला कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एग के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो याद रखना जूना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने वाला एंजाइम हमेशा याद रखना एक्रोसिन होता है। जूना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने वाला यदि कोई एंजाइम है तो कौन सा, एक्रोसिन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा है, सी। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको गलती करके आते हैं, और क्या लिख के आते हैं वो भी बताता हूँ, और क्या लिखना चाहिए था वो भी बताता हूँ। ब्लड फ्लोइंग इन अम्बेलिकल कोड, अम्बेलिकल कोड सब जानते हो, नाभि रज्जू, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि रज्जू। ब्लड फ्लोइंग इन अम्बेलिकल कोड ऑफ मेमिलियन एम्ब्रियो, स्तनधारियों के या स्तनधारियों के भ्रूण राइट में पाए जाने वाली जो नाभि रज्जू होती है उसमें बहने वाला रक्त जो होता है वो कहाँ से आता है, क्या उस नाभि रज्जू के अंदर, समझते हो अम्बेलिकल कोड मतलब नाभि रज्जू, क्या नाभि रज्जू में बहने वाला रक्त 100% माता से आता है, मैटरनल मतलब माता से, क्या नाभि रज्जू में बहने वाला रक्त 50% मैटरनल होता है और 50% फीटल होता है। ज्यादातर बच्चे इस ऑप्शन को करके आते हैं, क्यों, क्योंकि वो अम्बेलिकल कोड और उसको किससे जोड़ के देखते हैं, प्लेसेंटा से जोड़ के देखते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। कई बच्चे ये करके आते हैं कि अम्बेलिकल कोड में बहने वाला जो रक्त है वो 50% माता से आता है और 50% गर्भस्थ शिशु से आता है, 100% फीटल होता है मतलब गर्भ से आता है, 100% गर्भ से आता है, या 75% गर्भ से आता है और 25% माता से आता है। तो याद रखना कि स्तनधारियों के भ्रूण में जो नाभि रज्जु पाई जाती है उसमें बहने वाला रक्त 100% कैसा होता है, फीटल होता है। यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 100% कैसा होता है, फीटल होता है, इसमें माता के रक्त का योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो कौन सा है, सी, ठीक है। तो ये कुछ खास प्रश्न हमने नीट एग्जाम के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को लेकर पढ़े। ये जो क्वेश्चन है वो न केवल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये टॉपिक बहुत कॉमनली पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा मैंने बहुत सारे और भी वीडियोज डाल रखे हैं एमसीक्यूज के, उनको जरूर देखिए। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे थ्योरिटिकल वीडियोज के साथ में भी और एमसीक्यूज के साथ में भी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।